आज तुम कौन सी कहानी सुनोगे? बोलो, हाँ कौन सी कहानी सुनोगे? बताओ 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 जल्दी से। हाँ, कोई कहानी सुनना चाहते हो नानी से? कौन सी कहानी, किसकी कहानी सुनोगे? हाँ, हंसने वाली सुनोगे। और तुम कौन सी कहानी सुनोगे? तुम राजा की। राजा की सुनोगे। और तुम रानी की सुनोगे। अरे भाई देखो, राजा और रानी की कहानी तो कई दफा हम सुना चुके हैं। खूब हंसने वाली कहानी जो कहा है वो आज हम सुनाएंगे। सुनोगे ना? खूब हंसने वाली कहानी है। अच्छा तो सुनो, एक गांव था, उसमें एक गरीब और आलसी आदमी रहता था। उसका नाम था शेख चिल्ली। क्या नाम था? शेख चिल्ली। शेख चिल्ली वो कोई काम धंधा नहीं करता था, बस पढ़ के सोया करता था। न कुछ कमाता था न धमाता था, तो घर में बच्चे भूखे मरते थे। उनको दूध भी नहीं पीने को मिलता था, रोटी भी घर में खाने को नहीं मिलती थी। अरे शर्म नहीं आती, सूरज सर पर आ चुका है और ये महाराज अभी पड़े सो रहे हैं और ये सारा गांव धंधे पर जा चुका है। क्या हुआ? क्या मेरा सर, सारे दिन खाना और सोना। हूँ क्या, कुछ काम धंधा तो करते नहीं, आखिर बच्चों को क्या खिलाऊं मैं? अगर तुमने अब हूँ कहा तो निकल जाओ घर से। मैं कहती हूँ निकल जाओ घर से। निकल जाओ। हाँ निकल जाओ। लेकिन कहाँ? कहीं भी, जहां इस दुनिया में जगह मिले। जब कभी अपने हाथ पर हिलाकर मेहनत करना, तब इस घर में कदम रखना। तुम क्या समझती हो, मैं कमा नहीं सकता? मैं बहुत कमा सकता हूँ। अरे जाओ, बहुत देखे कमाने वाले। अरे यहाँ सालों से रोटी के लाले पड़े, बच्चे एक एक बूंद दूध का तरस रहे हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती? हाथ पर हिलाना तो तुम जानते ही नहीं। बस बस बहुत हो गया है। हाँ अब मैं कमा कर ही लौटूंगा, समझ लो। और सुनो, पड़ोस से आटा मांगकर मैंने चार रोटी सेक दी है, भूख लगे तो खा लेना। और इस तरह से शेख चिल्ली चलता गया चलता गया। खेत खलिहान गांव मैदान पार करता हुआ, इस उम्मीद में कि राजा के यहाँ उसे नौकरी मिल जाएगी, तो वो खूब बड़ा आदमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा। हाँ तो इस तरह से वो राजा के महल के पास पहुंच गया, मगर उसके फटे पुराने कपड़ों को देखकर द्वारपालों ने उसे मार कर भगा दिया। आखिर थका हारा शेख चिल्ली मायूस होकर एक कुएं के पास जाकर बैठ गया है? अब उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी, तो उसने अपनी पोटली खोली। जब उसने पोटली खोली तो वो सोचने लगा कि अभी तो मुझे राजा के यहाँ नौकरी मिली नहीं है, और बगैर नौकरी के अगर मैं घर लौटूंगा तो पत्नी मुझे भगा देगी और झगड़ा भी बहुत करेगी। कल सवेरे उठकर हमें नौकरी भी ढूंढनी है, इसलिए अगर चारों रोटियां मैंने अभी खा ली तो कल मैं नौकरी ढूंढने निकलूंगा तो क्या करूंगा, दिन भर भूखा मरना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या करेगा वो? भूखा रहेगा जो सब चारों रोटी खा लेगा। इसलिए पोटली खोलकर वो बोल उठा, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं, या के चारों खा जाऊं। ये कौन राक्षस है जो हम चारों को खा जाना चाहता है? अब क्या करें? कुछ तो करना ही होगा ना। चलो हम उसी से चल के प्रार्थना करते हैं। चलो।
महात्मा, आप हम चारों को मत खाइए। हम चारों बहने हैं, हम आपको दो ऐसी चीजें देते हैं जो आपके काम आएंगी, एक कटोरा और एक पुतला। कटोरे से आप जो भी खाने को मांगेंगे कटोरा आपको दे देगा, और पुतले से आप जो भी काम कहेंगे वह काम वो कर देगा। तब तो शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ और अपने घर को चल दिया। लेकिन देखिए, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पकवान हैं, मैं आप सब लोगों को खिलाऊंगा। हाँ, शेख चिल्ली ने सारे घर को मनपसंद खाना खिलाया और पुतले से सारे बर्तन साफ करवा दिए। जब वो सो गया तो लालची पति पत्नी ने कटोरा और पुतला बदल दिया। सवेरे जब शेख चिल्ली सोकर उठा तो बगैर ये जाने कि उसका कटोरा और पुतला बदल दिया गया है, वो खुशी खुशी मन से अपने गांव की ओर चल दिया। और जब घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से खूब बढ़ा चढ़ा कर बातें की। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई कि वाह, मेरा पति तो खूब कमा कर लाया है। प्यारे कटोरे, मेरी पत्नी को खाने के लिए बर्फी, रसगुल्ला, पूड़ी, कचौड़ी, रायता और बढ़िया बढ़िया सब्जी दो। अरे दो भाई दो। देखो ये तुरंत देता था, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा ठहरो, मैं अपने पुतले से अभी सारे घर की सफाई करवाता हूँ। प्यारे पुतले, देखो तुम इस घर के सारे झाड़ झंखाड़ फौरन साफ कर दो। उठो, खड़े हो जाओ और निकल जाओ, मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। निराश और दुखी शेख चिल्ली घर से बाहर निकल गया। उसके कुछ समझ में नहीं आया क्या करे, तो वो दुखी होकर कुएं की जगत पर उसी कुएं की जगत पर बैठकर रोने लगा। अरे महात्मा, आप क्यों रो रहे हैं? तब शेख चिल्ली ने अपनी दुख भरी कहानी उन परियों को सुनाई। उनकी कहानी सुनकर बड़ी परी बोली, हमने तो डर के मारे आपको वो चीजें दी थी। खैर, जब आप धोखा खा ही चुके हैं तो हम आपकी मदद कर देते हैं। हम आपको एक छड़ी और एक रस्सी देंगे, से आप जिस व्यक्ति को बांधना चाहेंगे वह तुरंत ही उसे बांध देगी। जरूर, से जिस व्यक्ति को पीटना चाहेंगे डंडा उसे पीटने लगेगा। जरूर, आपका कटोरा और पुतला उन्हीं लोगों ने लिया है जिनके यहाँ आप रुके थे। भाई साहब, नमस्ते। 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 प्यारी रस्सी, तुम इन दोनों चोर मियां बीवी को कस के बांध दो। प्यारे डंडे, अब तुम इन दोनों की जमकर पिटाई करो। नहीं, अरे मार डाला, बचाओ, अरे हटाओ इस कंबल डंडे को, अरे मेरी मानो, उसका कटोरा पुतला वापस ला दो, अरे ले लेगा। अरे भैया, हमने तुम्हारा सामान चुराया है, हमें माफ कर दो। हम लौटते हैं,
अरे डंडे को रोको। प्यारे डंडे, हाँ प्यारी रस्सी, अब चोरी करोगे नहीं, अब धोखा दोगे नहीं, तो तौबा करो। तौबा। इस तरह से शेख चिल्ली को उसकी गुम हुई चीजें वापस मिल गईं, तो शेख चिल्ली खुशी खुशी अपनी चीजें लेकर घर वापस आया। तो पहले तो उसकी पत्नी बहुत नाराज हुई, लेकिन परियों का उपहार पाकर वो बहुत खुश हो गई। नानी, वो रस्सी और डंडा तुम्हारे पास है क्या? मेरे प्यारे बच्चों, जादुई डंडा, रस्सी और कटोरा ये सब कुछ नहीं होता है, ये तो हजारों सालों से तुम बच्चों का मन बहलाने के लिए कहानियां कही गई हैं। असल बात होती है बुद्धि और साहस।